हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टॉप 50 एमसीक्यूज। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वॉज डिवेलप्ड बाई डैश इन डैश। माइक्रोसॉफ्ट को किसने डिवेलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने ही इन 1980s में। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बेसिक सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है इसमें, एक्सेल्स, पावर पॉइंट्स या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। MS वर्ड इज अ डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वट इज़ MS वर्ड्स? MS वर्ड्स में हम क्या क्या कर सकते हैं? इट इज़ डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग्स टूल्स। इसमें आप किसी भी एप्लीकेशंस को लिख सकते हैं, कोई भी लेटर इसमें आप से डिज़ाइन कर सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं। अगर आपने कोई मैगजीन्स डिज़ाइन करनी है तो उस मैगजीन का डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में किया जाता है, या अगर आपने बुक्स सॉफ्ट कॉपी बनानी है तो वो भी आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाई यूजिंग स्विच बटन्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स को अगर आपने स्टार्ट करना है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में वो कौन से बटन से हम स्टार्ट कर सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें जहाँ पे स्टार्ट बटन्स है वहाँ पे आपने जाना है, उसके बाद आपने सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। व्हेन यू स्टार्ट MS वर्ड द ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स हैज़ द नेम एज डैश। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं तो उसमें टाइटल्स के ऊपर कौन सा नाम होता है? डॉक्यूमेंट्स वन। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स की फाइल एक्सटेंशंस होती हैं उनका आपने नाम्स बताने, डिफ़ॉल्ट नेम्स क्या होता है? तो डॉट्स DOC होता है। द फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड इज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स का पहला जो बार है उसे क्या कहते हैं? टाइटल बार। एडिटिंग्स अ डॉक्यूमेंट्स दैट हैज़ बीन क्रिएटेड्स मीन्स, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स एडिट करते हो तो उसका मीन्स क्या होता है? यानी उसमें आप कोई भी करेक्शंस करते हो तो करेक्टिंग्स इट। इन MS वर्ड स्पेलिंग्स चेक्स इज अ फीचर अवेलेबल इन विच टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में स्पेलिंग चेक्स फीचर्स कौन से टैब्स में अवेलेबल्स है? रिव्यू टैब्स में। इन MS वर्ड द रिप्लेस ऑप्शंस इज अवेलेबल्स ऑन। राइट आंसर्स क्या होगा? एडिट्स मेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू। इनमें से आपने बताना है कि एडिट्स मेन्यू ऑप्शन कौन सा नहीं है। राइट आंसर्स क्या है? पेज सेटअप। मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल्स अंडर विच मेन्यू। एडिटिंग टूल्स सबसे ज़्यादा कौन से मेन्यू में अवेलेबल्स हैं? एडिट्स वाले मेन्यू में। टू मूव टू द बिगिनिंग्स ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। राइट आंसर्स क्या है? होम की। इन विच मेन्यू वी विल फाइंड द कमांड्स डॉक्यूमेंट। कौन से मेन्यू में आप कमांड डॉक्यूमेंट्स को फाइंड कर सकते हो? डेटा मेन्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल्स। इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि फॉन्ट वाला स्टाइल्स कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर्स क्या है? सबस्क्रिप्ट। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर पेज ओरिएंटेशंस। जब भी आपने किसी भी पेज का प्रिंट निकालना होगा तो उस टाइम्स पे हम क्या पेज ओरिएंटेशंस में सेटिंग करते हैं कि आपका पेज पोर्ट्रेट में निकलेगा या लैंडस्केप में आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग्स कमांड इज यूज्ड इन एमएस वर्ड्स टू अंडरलाइंस द स्टेटमेंट्स। राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शंस बी। जब भी आप एमएस वर्ड या किसी अदर सॉफ्टवेयर्स में अगर आपने किसी टेक्स्ट या सेंटेंस को अंडरलाइन करना होगा तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ आप करोगे? कंट्रोल प्लस यू का। वेयर वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट्स। राइट आंसर्स क्या है? बोथ ए एंड बी पार्ट, हेडर एंड फुटर। इन हाउ मैनी वेव्स यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट्स। कितने तरीके होते हैं एमएस वर्ड्स में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए? राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शंस ए यानी थ्री टाइप्स। पहला क्या है? कंट्रोल प्लस एस अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रेस करोगे तो उससे वो डॉक्यूमेंट्स सेव होगा। दूसरा एमएस वर्ड्स में सबसे पहला होता है ऑफिस बटन, वहाँ से आप कर सकते हो। तीसरा कंट्रोल्स पैनल्स जहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज होता है, अगर आप मैक्सिमाइज पे कट करोगे तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपके ऊपर ओपन होगा, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इस फाइल को सेव करना है या नहीं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू कट कमांड इज, आप अपने कीबोर्ड्स में आपने शॉर्टकट की बतानी है कट के लिए, तो राइट आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स। टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग्स यूज द डैश शॉर्टकट की। राइट आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस फाइव। कंट्रोल प्लस फाइव जब आप प्रेस करोगे तो लाइन की स्पेसिंग जो है वो क्या इंक्रीज हो जाएंगी एमएस वर्ड में। शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज आर द प्रिंट। राइट आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस F2। टू शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इज, आपको पता ही है अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने प्रिंट निकालना होगा उस डॉक्यूमेंट्स का तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस P। शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, आप चाहते हो कि जो लास्ट वाली लाइन है उस पे मैं सीधा जाऊं, यानी उसको जो कर्सर है आपका वो लास्ट लाइन पे जाए, तो उसके लिए क्या आप यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस एंड बटन। द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेइंग्स एमएस एक्सेल्स इज। राइट आंसर क्या है? एक्सेल्स डॉट ई एक्स ई बी अगर आप प्रेस करोगे सर्च मेन्यू में तो आपका क्या एमएस एक्सेल्स स्टार्ट हो जाएगा। विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट्स पैकेज। स्प्रेडशीट्स पैकेज की आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स बतानी है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शंस ए पार्ट। स्प्रेडशीट्स किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। विच ऑप्शंस विल बी यूज टू गिव हेडिंग्स इन द फॉर्म। राइट आंसर क्या है? लेबल। द एक्सटेंशंस ऑफ सेव्ड फाइल इन एमएस एक्सेल्स इज। राइट आंसर क्या है? डॉट xlsx। जब भी आप फाइल सेव करते हो तो एक्सटेंशन फाइल्स नेम्स आपने बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अलाइनमेंट बटन्स आर अवेलेबल्स ऑन विच टूल बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में अलाइनमेंट बटन्स कौन से टूल बार में अवेलेबल्स होता है? फॉर्मेटिंग्स में। इन एक्सेल्स द इंटरसेक्शंस ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इज कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में जहाँ पे कॉलम्स और रो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं यानी वो आपस में मिलते हैं उस जगह को सेल कहते हैं। ए कलेक्शंस ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। कलेक्शंस ऑफ वर्कशीट को क्या आ जाता है? वर्कबुक। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। राइट आंसर क्या है? वायरस डिटेक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में एक्टिव सेल कौन से होते हैं? करंट सेल। हाउ इज द डेटा ऑर्गेनाइज इन आ स्प्रेडशीट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? रो और कॉलम्स में। द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट्स इन टू विच यू इंटर डेटा इन एक्सेल्स इज कॉल्ड डैश। राइट आंसर क्या है? सेल।
बेसिक्स यूनिट्स क्या होता है, जब भी आप एक्सेल्स में कोई भी डेटा इंटर करते हो तो वो एक सेल में उस डेटा को इंटर किया जाता है। द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल्स इज डैश व्यू। डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है एक्सेल्स में? नॉर्मल व्यू। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट लेट्स वन इंटर्स, कैलकुलेट्स, मैनिपुलेट्स सेट ऑफ नंबर्स। राइट आंसर्स क्या है? स्प्रेडशीट्स। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू, बॉर्डर्स कहाँ पे अप्लाइड किया जाता है? सेल में, पैराग्राफ्स में, टेक्स्ट में या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ दीज। द सेल हैविंग्स बोल्ड बाउंड्री इज कॉल्ड डैश। राइट आंसर्स क्या है? एक्टिव। वट इज द एक्सटेंशंस ऑफ पावर पॉइंट्स इन MS ऑफिस 2007? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट्स जो है उसका एक्सटेंशन फाइल आपने बताना है। राइट आंसर्स क्या है? .pptx। यू कैन एड एनी पिक्चर्स इन योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच मेन्यू? राइट आंसर्स क्या है? इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू से आप किसी भी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो। विच की ऑन द कीबोर्ड्स कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो? अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स में स्लाइड शो अपनी स्क्रीन पे करनी होगी तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे? F5 का। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ डैश प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स क्या है? एक प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम है। द पावर पॉइंट प्रोग्राम्स वॉज क्रिएटेड बाई डैश। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम्स किसने क्रिएट किया है? रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस एस्टिन। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स पावर पॉइंट वॉज ऑफर्ड इन डैश। राइट आंसर्स क्या है? 1990s में। वट इज़ द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ अ पावर पॉइंट फाइल? डिफॉल्ट फाइल नेम आपने बताना है पावर पॉइंट का। प्रेजेंटेशंस वन, जैसे MS वर्ड्स में डॉक्यूमेंट्स वन था तो पावर पॉइंट में भी क्या है? प्रेजेंटेशंस वन। वट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड्स इन पावर पॉइंट्स? अगर आपने न्यू स्लाइड क्रिएट करनी होगी पावर पॉइंट में तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे? Ctrl+M। वट इज़ द शॉर्टकट की टू डिलीट द करंट स्लाइड्स इन पावर पॉइंट? अगर आप जिस भी स्लाइड्स पे आप काम कर रहे हो उस स्लाइड्स को डिलीट करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट के यूज़ करोगे? बोथ ए एंड बी पार्ट्स, यानी डिलीट बटन्स या बैक स्पेस बटन। लास्ट क्या है? द शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट्स। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स का जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को अगर आपने क्लोज करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ आप करोगे? Ctrl+Q का यूज़। तो अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।